टुडे सेवेंथ लेक्चर एंड आज हम लोग इंजन के पार्ट को अनलैप करेंगे। अभी ना यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे इमेज में देख लो, एक इमेज था अपने पास बहुत ही क्लियर, ये और ये, तो कंट्रोल सी कंट्रोल बी। तो अगर इस इमेज को क्लियर देखो तो ये बीच में ग्लास है, ठीक है, ग्लास है और यहाँ पे भी ग्लास है। तो उसके लिए क्या करना है ना, इसमें आ जाओ, फेस में आओ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और सिलेक्शन बढ़ाएंगे। जो एरिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना उसको कट करके हटा देना है, ठीक है, मतलब वो रहेगा वहीं पे बट वो अलग ऑब्जेक्ट में रहेगा, ठीक है, मतलब जिस पे कांच का मटेरियल जाएगा, समझ में आ रहा है ऐसा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इतना बना था, अभी हम लोग इसको अलग करते हैं, शिफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट फेसेस, ठीक है। तो ये अभी डुप्लीकेट स्पेशल वाला हट गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी देखो ये अलग है और बीच में कांच अलग है, ठीक है, रहेगा सेम प्लेस पे। इसमें भी सेम चीज़ करते हैं, एक एक दो तीन चार एंड टू वर्टेक्स टू फेस, शिफ्ट क्लिक करके स्ट्रैप, ठीक है, ये सब तो चलेगा, उतना उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सब भी चलेगा। अभी हमें इसको अनरैप करना है, ठीक है। तो अनरैप करने के पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका, अभी जो विंडो हमारा अलग हुआ है, मॉडिफाई सेंटर पिवट कर दो और हम दोनों विंडो को सेलेक्ट करो और इस वाले विंडो के लेयर में डाल दो, ठीक है। अभी ये आपका एक बॉक्स ऐसा स्ट्रक्चर हो गया पूरी ट्रेन का, ठीक है। अभी आपको मटेरियल फेस में जाना है, ठीक है, टॉप एंगल से ऐसे सेलेक्ट करो ये इतना, ठीक है, ये चीज़ें, और जो इसमें आ जाओ फ्रंट में, ओके, तो सभी मिनिमाइज कर दी मैंने, ये देखो कि कलर कैसे कैसे है, ठीक है। तो अभी जो सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है ना ये एक साथ रहेगा, ठीक है, पीछे का ये भी हटा दो, सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगा ना, थ्री प्रेस करके सेलेक्ट करना, क्योंकि इसमें क्या जो लाइन में गैप डिस्टेंस कम रहता है ना वो भी क्लियरली विजिबल होता है। ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, तो ये भी हटा दो। अभी देखो वन प्रेस करने पे इतना नजदीक है, दिखेगा नहीं, थ्री में दिख रहा है, ठीक है, एक्चुअली ये रहना ना बिकॉज वो बेंड पोजिशन पे, ठीक है। तो अभी इतने को क्या करना है, ये जो सेलेक्ट हुआ ना, विंडो रेंडरिंग एडिटर, रेंडरिंग एडिटर हाइपरशीट, ठीक है। अभी इस पर एक मटेरियल डालना है और वो मटेरियल का कलर इसमें कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कलर इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। ब्लिन अप्लाई करो, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल ब्लिन, ठीक है, ब्लिन 8 आया, कलर देख कर लो स्विच करके कि हाँ सेम चीज़ है। अभी इसका कलर को देना है, ठीक है, जो एकदम से विजिबल हो वैसा कलर देना है। एक्चुअली हम लोग पार्ट पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक पार्ट ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग इसको अनरैप करेंगे तो वो एरिया बार बार सेलेक्ट करने के लिए वैसे नहीं जाना है ना, मटेरियल पे आया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विथ मटेरियल, तो ये ऐसे सेलेक्ट हो गया, इसीलिए पहले इसको पार्ट पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये फ्रंट का पार्ट, तो फ्रंट का पार्ट के लिए कैसे डिवाइड करेंगे, फेस में आओ, अब इस पर आप शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे, पूरा रोटेट हो गया, तो इट मीन्स आपको ये, ठीक है, बट इसका एक और ऑप्शन भी है, यहाँ पे आ जाओ ये पोर्शन पे, ठीक है, और
इस वाले टूल को लेकर फाइव प्रेसर जूम करो और ऐसे सेलेक्ट करो। ठीक है, अब इधर आ जाओ, फेस मोड में। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हटाना है, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा है। और रेफरेंस में भी देख लो कि ट्रेन का कलर कहाँ तक होता है, ठीक है, वो येलो कलर सामने होता है तो फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लाइन ऐसा है, ठीक है, वन पे ये दिख नहीं रहा है बट थ्री पे गैप आ गया तो सेलेक्ट करने में आसानी हो रहा है। देखो अभी जो ये सेलेक्ट हुआ है ये फ्रंट पार्ट में जाएगा, ठीक है, ये ठीक है ऐसा। चलो अभी ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हो गया है एंड जो जो छूटा था, ठीक है, ये लाइन कंप्लीट है तो इस लाइन को हम लोग कंप्लीट ही लेंगे। सर स्क्रीन शॉट नहीं है तो ठीक है, अभी जो सेलेक्ट हुआ है फ्रंट पार्ट इस पे एकदम से अलग कलर का मटेरियल डालना है, साइन न्यू मटेरियल, ब्लिन ब्लिन डालो, लैम्बर डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट अभी हम लोग सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करने के लिए मटेरियल डाल रहे हैं। कलर में गया, इसको ये कलर डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। अभी फ्रंट पार्ट को, ठीक है, बैक अलग है, फ्रंट अलग है, साइड को मैं ही फ्रंट बोल रहा हूँ। इधर आता हूँ और वर्टेक्स में आता हूँ, फाइव प्रेस किया ये एंड ये वाला ऑप्शन लिया और इसे ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से पहले पहले तो इस वाले ऑप्शन में आ गया, फिर ये लाइन से सेलेक्ट करो, ये लाइन जो है उस पर देखना कि वो ग्रीन वाले पे ना जाए, तो यहाँ तक किया और नीचे से थोड़ा ऊपर कर लो ये, तो अभी क्या देखो पूरा हुआ और नीचे बच भी गया, दिख रहा है, बिल्कुल यही चीज हमें करना है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा है उसको मैनुअल सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये सारी चीजें उसके बाद एक दो तीन, तो इसके लिए मैंने डबल को दूसरे साइड का कॉम्बाइन नहीं किया था, ठीक है, बिकॉज ये मेहनत से डबल होता इस लाइन को कंप्लीट करना है। ठीक है, बैक पोर्शन छोड़ भी सकते हो और रख भी सकते हो, मैं रख देता हूँ। अभी क्या करना है आपको, ये दिखाई दे रहे हैं इस पे अलग से मटेरियल डालना है, ठीक है, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लेम
और ऐसा कलर इसलिए दे रहा है बिकॉज कलर से ही आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और फिर बैक का साइड में आप फेस मोड में और ऐसे सेलेक्ट करो ये, तो इसमें सबसे नीचे वाला ही आएगा। और संभल के कि ऊपर रेड वाले पे नहीं चला जाए, देख बराबर गया, ठीक है। असाइन न्यू मटेरियल ब्लिन, ठीक है। अब ये तीन अलग अलग पार्ट में है, ठीक है। एक्चुअली मैं जो इसका फेस है ये वाला, इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है, मतलब अलग कर रहा हूँ। तो ये पीछे वाले एंगल से ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ये हो गया। और जो एक्स्ट्रा हुआ है उसको डिसेलेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि ये एक्स्ट्रा है, अभी हम लोग धीरे धीरे एक्चुअल टेक्सचरिंग के पार्ट पे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें भी आपको नोटिस करनी है, क्योंकि 3D मॉडलिंग ऐसा पार्ट है कि मॉडलिंग के साथ ही आपको धीरे धीरे टेक्सचर पे भी थोड़ा वर्क करना होगा, ठीक है। ठीक है, अब इस पे साइन न्यू मटेरियल ब्लिन, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग कलर का हो गया। अभी इसको क्या करना, एडिट डिलीट ऑल टाइप हिस्ट्री फाइल सेव सीन एज, टेक्सचर वन टेक्सचर टू के नाम से मैं फाइल सेव कर रहा हूँ। अब आप देखो क्या करना है, ठीक है। पहले फ्रंट वाले पार्ट पे यूवी एडिटर में आ जाओ, इसको ओपन कर लो। अब ये मेश टूल को क्लोज करो, इसे भी हटाओ। हाइपर शेड से अभी आपको कैसे यूज करना है वो दिखाओ, हमने क्यों कलर ऐसे क्यों अप्लाई किया वो मैं दिखाऊँ। जब हम लोग प्रिंगल का चिप्स बना रहे थे, चिप्स का जो बॉक्स था एक लेक्चर में प्रीवियसली, क्या प्रोडक्ट मॉडलिंग के टाइम, तो वो एक बॉक्स था, इसके लिए सिंपल हम लोग उस पर कैमरा मैपिंग कर रहे थे। अब क्या होगा देखो, तो अभी मुझे ये फेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये वाले मटेरियल पर जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है, यहाँ से सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे वो एरिया आ गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसमें आइए फ्रंट व्यू में, ये ठीक है, यूवी कैमरा बेस फ्रंट वाले एंगल से, ठीक है। तो अब अभी अभी अगर मैं उसको आपको साइड में करके दिखाऊं तो देखो उसी शेप का आ गया, ठीक है। वन प्रेस करो, शिफ्ट क्लिक करो, ठीक है, टूल्स पे। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं शिफ्ट के साथ, ठीक है। आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो और सेम ऑप्शन इसमें भी है यूवी टूल किट में, ठीक है। इन सबको ओपन करो, ठीक है। इसके ये सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ करो, ट्रांसफॉर्म भी ऑफ करो, क्रिएट, हाँ देखो इसमें भी ऑटोमेटिक और कैमरा पे ये सारी चीज जो वहां पे था ना, ये लिस्ट वो यहाँ पे सेम चीज। इसमें सबसे ज्यादा यूज आने वाला क्या है मैं वो दिखाता हूँ, कट एंड सीव, ठीक है, और अनफोल्ड, ये दो। अनफोल्ड क्या होता है, चीजों को खोलना, अनरैप को, ठीक है, और ऑप्टिमाइज होता है उसको प्रॉपर मैनेज करना। अभी ये सिलेक्टेड है ना, ऑप्टिमाइज पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, और ये ब्रश को चलाऊंगा। तो ये देखो ये चीजें यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, कंट्रोल सेट, देखो ये ऐसा था, और जब मैंने ऑप्टिमाइज से चलाया तो वो उसको ओपन कर दिया, ठीक है। और अगर आप बिना इधर चलाओगे तो इसे ब्रश चलेगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। वर्टेक्स मोड में एक सेकंड आ रहा फेस, यहाँ पे ऑप्टिमाइज है ना, देखो इसको जैसे ही ऑप्टिमाइज में क्लिक करूंगा ना, एक्चुअल तुम्हारे मॉडल के शेप में ही आ जाएगा, ठीक है। पहले ये ऐसा था, जैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे सी, ठीक है, फिर इसको प्रॉपर स्केल कर दो। ऑप्टिमाइज क्लिक करते रहोगे ना,
तो ये वर्क करता रहेगा, खुलता रहेगा, खुलता रहेगा ऐसा, ठीक है। इसको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक बार ऑप्टिमाइज करके छोड़ देना है। रोटेट करके प्रॉपर इसको सीधा करो ऐसे, उसके बाद वर्टेक्स बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक तो कुछ तो सीन हुआ है, अभी आया वर्टेक्स में इधर यूवी एवी, ठीक है। ये देखो ये जो व्हाइट का लाइन दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है, अभी देखो ये वर्टेक्स मोड में आया, अभी कैसा ग्रीन ग्रीन सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो व्हाइट वाला लाइन है ना, ये आपका कट है, ठीक है, ये और इसके बीच का आपका मेश। तो अभी इसको हम यूज कैसे करेंगे, देखो ये सेलेक्ट किया इतना, ठीक है, आर पेस के और ऐसा स्केल, तो दूसरे साइड जा रहे हैं ना। तो अभी आपको क्या करना है, एज में आओ, ऐसा डबल क्लिक करो ये, और अभी जो सिलेक्टेड है ना एज, मॉडल में आकर देखो आपने कौन सा एज सेलेक्ट किया है, ठीक है। फोर प्रेस करो, एज दिख रहा है ना ऑरेंज वाला लाइन, इधर आओ, यहाँ पे कट, कट पे जैसे ही क्लिक करोगे वो अलग हो गया, ठीक है। ये अभी इन सबको सबसे अलग रखो, एक ही बॉक्स में लाएंगे लास्ट में, ठीक है। ये हो गया फ्रंट का, वापस इसमें आओ यू ऑब्जेक्ट मोड में एंड प्रेस 5, ये इस कलर का हो गया। अभी था ग्रीन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, टॉप पार्ट है तो टॉप एंगल में आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखो यूवी में ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ भी क्रिटिकल नहीं, एकदम ईजी है, सिर्फ आपको देखना है मेश सेलेक्ट करना है, बाय मटेरियल सेलेक्ट हो जाएगा, इसमें आओ, टॉप एंगल से कैमरा मैपिंग कहाँ है ये देखो, कैमरा बेस जैसे क्लिक करो आपको ऑलरेडी मिल गया, बट वो ऐसा फैला सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो एक्चुअल शेप में कैसे रहेगा, जो हमारे मॉडल का था, यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक करो, ऑप्टिमाइज टूल पे नहीं, ऑप्टिमाइज पे जैसे क्लिक करो ये गया, ठीक है। जितना क्लिक करते जाओगे ये उतना वैसा होते जाएगा, ठीक है। इसको मैनुअली थोड़ा सा ये कर दो, अभी देखो अपना मॉडल कुछ ऐसा है, ठीक है, इसको भी ऐसे ही रखो और इसके बाजू में रखो, एक सेकंड, ये तो ये इसका रूफ है, ठीक है, ऐसा। तो इसको थोड़ा सा इतना करो क्योंकि अपने को ये सारे एक बॉक्स में रखने हैं। अभी टॉप एंगल से ये हो गया, अभी इसमें आ जाओ ये साइड वाला, क्योंकि अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, ये आ गया। देखो अभी ये कैसा दिखाई दे रहा है, अब देखो ये जुड़ा हुआ है दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे ना साइड व्यू में, और जिससे ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका साइड व्यू का कैमरा सबसे बेस्ट है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा, कैमरा बेस कहाँ है ये रहा, जैसे आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक ओपन हो गया और सबसे अलग भी होगा, डिस्कनेक्ट हो गया देखो, बट स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है। ऑप्टिमाइज देखो वो आया, बट वो थोड़ा सा फूल गया है ऐसा, ठीक है। वो वापस से कंट्रोल जेड जाओ, ये आपका शेप है, आर से इसको स्केल करो, ये देखो आप वहाँ पे जो शेप था उसके अराउंड जाओ, तो ये बॉक्स कुछ ऐसा है, ठीक है, विंडो ऐसा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा उसको मैच कराने की कोशिश करो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, और ये कहाँ गया, इसका 3D में टेक्सचर में एक ऑप्शन होता है चेकर, ठीक है। चेकर क्या होता है, आप देखो सबसे पहले हम लोगों ने किसको किया, तो इसको किया, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करो, ये जो ओपन होगा ना कलर, यहाँ पे अभी कलर मैं हटा रहा हूँ गौर से देखो, और यहाँ पे चेकर अप्लाई करूंगा, चेकर पे क्लिक करो और 6 प्रेस करो, तो ये जो ऐसा कुछ zigzag पैटर्न दिख रहा है ना, इससे हम लोग ये चेक करते हैं कि आपका टेक्सचर सही आने वाला है या नहीं, या फिर टेक्सचर कहाँ पे खराब होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जहाँ पे भी टेक्सचर ऐसा खराब हो रहा है ना, मीन्स आपका जो एक्चुअल कलर होगा वो भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग टेक्सचर पे भी टेक्सचर इसी चीज को चेक करने के लिए यूज होता है, इस पर क्लिक करो, ठीक है। और कहाँ गया वापस आओ, ये ब्लिन लाइन, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। जब भी इस पर क्लिक करोगे ना, तो जैसे यहाँ ब्लिन लाइन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा एट्रीब्यूट में ब्लिन लाइन, ठीक है।
इसके बाजू में आया चिकर, तो अभी इन सब चीजों को आप ओपन करो, ठीक है? नॉट बिहेवियर, यू आई डी या जो भी चीजें हैं, ठीक है, इन सब का यूज क्या है अब आप वो देखिए, ठीक है? ये देखो प्लेस टू डी टेक्सचर में आओ, ठीक है? जब चेकर में आओगे ना, तो चेकर के बाजू में आएगा प्लेस टू डी टेक्सचर, ठीक है? यहाँ पे देखो रिपीट यू भी लिखा है ना चार, अगर मैं इसको कर दूँ 10 और इधर भी 10, तो ये देखो चेकर अपना बढ़ गया, ठीक है? अभी देखो सब जगह सेम आ रहा है, बट इधर देखो ये ऐसा आ रहा है ना, मतलब ये खराब हुआ, ठीक है? तो इसको चेक करने के लिए चेकर बॉक्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? तो अभी ये 10 10 पे रखा है, बाकी के बॉडी पे भी हम लोग 10 10 ही लगाएंगे। ग्रीन वाले पे आते हैं, चेकर पे आते हैं, देखो ये कैसा आ रहा है। तो रिपीट यू भी कहाँ है, ये रहा 10 10, ठीक है? तो इसमें इतना ज्यादा बड़े बड़े ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो इसको अमाउंट बढ़ाओ। अभी रेड वाले पे आते हैं, अभी हम लोग रिसेंटली भी यूवी पे रेड पे ही काम कर रहे थे, ठीक है? चेकर तो अभी देखो ये ऐसा आ रहा है, ठीक है? साइड से प्रॉपर सही गया, कहीं पे भी हमारा चेकर खराब नहीं हुआ, बट चेकर काउंट को बढ़ा, रिपीट यूवी में 20 20, देखो सब कुछ सही जा रहा है। इसका काउंट आउट बढ़ाता हूँ मैं 40 40, बिकॉज एरिया बढ़ेगा तो चेकर काउंट भी बढ़ेगा, ठीक है? अभी कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है? चेकर क्यों यूज करते हैं? अभी देखो बॉक्स हमारे सब जगह प्रॉपर बन रहा है, मतलब हमारा टेक्सचर कहीं पे भी खराब नहीं होने वाला है, जो भी हम लोग बनाएंगे फोटोशॉप में, ठीक है? देखो अभी ब्लू वाले पे आ जाते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, ठीक है? यूवी एडिटर कहाँ है, यूवी एडिटर ये रहा, और उसके पहले इस पे आ जाओ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मटेरियल, ये साइड वाले पे हम लोग वर्क कर रहे थे इस पे, देखो ये, ठीक है? तो अभी जब आप यहाँ से ऐसा ये कर रहे हो ना, तो देखो स्टार्ट में ही ऐसा था कुछ, ठीक है? तो चेकर खराब हो रहा था, स्ट्रेच हो रहा था, उसको मैं एक्चुअल साइज में लेकर आया जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है? क्योंकि हम लोगों को इसके हिसाब से टेक्सचरिंग करनी है, ठीक है? हर चीज को ऑप्टिमाइज भी नहीं करना है, ठीक है? जो चीज ऑप्टिमाइज करने से खराब होता है उसको नहीं करना है, जैसे ये है, मैं कर दूँ ऑप्टिमाइज, आगे वो ऑप्शन ऊपर करो ऑप्टिमाइज, देखो चेकर कैसा चला गया, ये देखो खराब हो गया। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, चेकर हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा जैसे ये दिख रहा है ना, ठीक है? ऑप्टिमाइज में खराब हो गया, तो हर जगह ऑप्टिमाइज नहीं करना है, ठीक है? ये हो गया, इसको उठाकर आप यहाँ पे रखे, ठीक है? और इस पे आते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव मटेरियल, ये नीचे का, ठीक है? तो ये नीचे का हम लोग को टॉप एंगल से ही दिखेगा ना, अच्छा दिखेगा नहीं, बट एंगल तो वही है, तो यहाँ पे आते हैं और इसमें आते हैं, ठीक है? यूवी कैमरा बेस इस पे भी है ना, कहाँ है ये, साइड में लेकर आओ, इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज। तो अभी ये ओपन हुआ है, बट यहाँ पे कुछ टूटा सा भी दिखाई दे रहा है, स्केल करके ऐसा छोटा करो, ये तो ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये, बट कोई बात नहीं, ये उतना बिकॉज ये नीचे का पार्ट है, तो हम लोग इस पर उतना ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? और इस पर अभी चेकर अप्लाई करके दिखाता हूँ, अब इससे कुछ सही गया है, पर हमेशा याद रखना चेकर ऐसा आएगा, उसके बाद जो यहाँ करेगा प्लेस टू डी टेक्सचर, उसमें ये ऑप्शन आएगा 20 20, ठीक है? देखो तो ये जो ऐसा स्ट्रेच दिख रहा है ना, मतलब वहां पे आपका कलर खींचने वाला है, ठीक है? तो अभी हमारा टेक्सचर तो हो गया है, ओके। मैंने येलो कलर का भी एक ये दिया था, ये तो छोड़ ही दिया मैंने। सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव मटेरियल, ये फ्रंट व्यू से देंगे, ठीक है?
यहाँ से यूवी कैमरा बेस, ये देखो ऑटोमेटिक उसी शेप में खुल गया। ठीक है, ऑप्टिमाइज करके देखते हैं। वो ऑप्शन में आ गया, मैंने क्लोज कर दिया क्या? ओके एनीवेज ये रहा ऑप्टिमाइज। ओके तो अभी ये कैसा परफेक्ट शेप में आया। ठीक है, तो वैसे ही हमें चेक भी करना है कि कौन सा सही जा रहा है। ठीक है, अब आप इस पे ये लगाओ चेकर, चेक करने के लिए इस पे आओ येलो वाले बॉक्स पे। इस पे गया चेकर में और रिपीट यूवी को 20, सॉरी 210 ये देखो। ठीक है, तो ये पूरा प्लेन है, इसके लिए ये बहुत ज्यादा दिखा रहा है, तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं 10 10। ठीक है, तो अभी देखो ये सारी चीजें सही गई है, जहां पे भी ऐसा है स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, उस चीज में आपको प्रॉब्लम होगा, बट ये अंदर है मतलब दिखने नहीं वाला है, तो यू कैन इग्नोर। ठीक है, ऐसा होता है। अभी टेक्सचर को ऐसे आप सेलेक्ट करो, देखो आपको सारे मॉडल्स आ रहे हैं। ठीक है, फाइव प्रेस करो एंड वी आर, देखो जैसे हम लोग किसी डब्बे को खोलते हैं तो उसका एक कट होता है ना, तो देखो इस ट्रेन में हर उस जगह पे कट होगा जहां से ये खुला है, ये व्हाइट वाला लाइन देखो। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं अनरैप। फेस में आओ, सबको सेलेक्ट करो, इसी बॉक्स से अंदर आना चाहिए ये सारी चीजें। स्केल करो, यहाँ पे रखो ऐसे, छोटा इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मूव करेगा शॉर्टकट सेम है WER वाला। फ्रंट का पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए मैं फ्रंट वाला पार्ट सेंटर में रखता हूँ, थोड़ा इधर रखूँगा, और इसको इसके बाजू में, इसको यहाँ पे। तो इसमें कुछ भी टफ या डिफिकल्ट पार्ट नहीं, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है कि क्या कौन से ऑप्शन से क्या यूज करना है कैसे। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, टॉप का है। ओके, ठीक है, इसे ही कहते हैं यूवी मैप जो आप अभी दिख रहे हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट फेस में आते हैं, सबको ऐसा सेलेक्ट करते हैं, एडिट डिलीटेबल टाइप हिस्ट्री देन फाइल सेव सीनेस। अभी आपका ट्रेन का अनरैप हुआ। ठीक है, इमेज यूवी स्नैपशॉट। ठीक है, ब्राउज जहाँ पे हमें फाइल सेव करना, ये हमने पहले भी किया है। पिक्चर मैंने अलग से फोल्डर बनाया है, सेव। यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है ना, ये हम लोग बढ़ाएंगे, ये 2K है। ठीक है, तो 10 ये 1080 है ना, उसको आप इंटू 2 करोगे, या फिर 1920 है उसको इंटू 2 करोगे, तो ये सारा 2K रिजोल्यूशन है। ठीक है, अभी जैसा देखो मैं अभी 5K रिजोल्यूशन में ये करूंगा। ठीक है, 5K रिजोल्यूशन कितना होता है अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो 5120 × 280।
है, तो मैं 5120 इंटू 5120 करूंगा, क्योंकि स्क्वायर में है, ठीक है, 5120 ऑटोमेटिक हो गया बिकॉज वो स्क्वायर में अपना, ठीक है। तो ये क्या होगा, बहुत हाई रिजोल्यूशन का अपना टेक्सचर होगा, ठीक है, 5120 इंटू 5120। ब्राउज कर दिया, अप्लाई, ओवरराइड का आया, मीन्स आपका वहाँ पे खाली है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ, ठीक है। अब आपको ओपन करना है फोटोशॉप। अब यहाँ से आपको थोड़ा ट्रिकी पोर्शन है, मैंने ये सारे कुछ इमेजेस रखे हैं रेफरेंस के लिए, अभी हमें इन सब इमेजेस को ही देखकर उस पर चीज़ें बनानी है जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, ठीक है। देखो ये सारा कलर या ये सारे टेक्चर्स, ठीक है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हमारे बॉक्स पे काम आने वाला है, ठीक है। देखो इसमें बीच में वाटर मार्क भी है, वो सब भी हटाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये दो सिंबल है ना, ये कूली कार शेड लिखा है, ये सारी चीजें हमारे कलर में होनी चाहिए अभी। देखो 7 MB का हुआ है बिकॉज ऑफ 5K न्यू फोल्डर, नीचे एक ब्लैक डालो तो तुम्हें लाइन दिख रहा है, जैसे जूम करोगे ये देखो ये सारे वायर फ्रेम है लाइन्स, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग करना है हमें काम, ठीक है। ये रहा हमारा लाइन, माया में आओ, इसे क्लोज कर दो, इसका काम हो गया है, ठीक है। अब जब ये अनरैप हो गया ना, तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग मटेरियल चिकन लगाया था ना इस पे, अभी इस पे सिर्फ एक ही मटेरियल जाएगा, ठीक है। असाइन न्यू मटेरियल, ब्लिन ब्लिन 13 है इसका, अब हम लोग नाम देंगे ट्रेन बॉडी कलर, ठीक है। तो ये रहा, बाकी जो चिकन उसको आप डिलीट कर सकते हो, उसका काम हो गया है, बस वो सिर्फ इतना तक ही उसका रोल था, ठीक है। तो ट्रेन बॉडी बॉडी चेकअप है ये रहा, ठीक है। अभी इस पर हम लोग फोटोशॉप फाइल अप्लाई करेंगे, फाइल सेव एज, टेक्सचर में बेस माया, तो इसका भी नाम दे दो ट्रेन बॉडी कलर, ठीक है, सेव। और यहाँ से ये फाइल देखो, लाइन भी है ना प्रॉपर जो जहां पे था जैसा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अगर आपको इस चीज को कलर करना है, ZBrush में और भी इजीली होता है, ठीक है, बट हम टेक्सचरिंग देखने वाले हैं अभी, तो इसके लिए हम इस चीज को फोटोशॉप में करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आ जाइए, अभी यहाँ से पहले तो व्हाइट कलर फिल करना है, ये है रूफ राइट, और ये बैक, तो बैक तो ब्लैक ही रहेगा, तो उसको ब्लैक रहने दो। इसमें से रूफ कौन सा है, हम एक बार इधर भी देख लेते हैं। अभी देखो मैं यहाँ से एक ब्रश ले रहा हूँ, ठीक है, और न्यू लेयर लिया, ठीक है। अभी यहाँ से आपको थोड़ा सा फोटोशॉप का स्किल यूज होने वाला है, ठीक है। और वो सीन क्या है कि मैं नॉर्मल एक ग्रुप क्यों आ गया, नया लेयर लेता हूँ सबसे ऊपर, जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो फ्रंट है एज यूजुअल, दिखी रहा है स्टिल मैं लिख रहा हूँ, और ये साइड पे गया कंट्रोल एस, ठीक है।
माया में आओ, कहाँ है ये मटेरियल अपना, ये रहा लिख लो उसको, तो ये हमारा 5, ठीक है, 4 परफेक्ट है, ये ब्लैक में जाएगा और ये 1 है, तो 1 अपना बैक है, ठीक है। हमें ज़्यादा काम 5 पे और 4 पे करना है, ठीक है। चलो आ जाओ फिर 5 6 में। ठीक है, इस पे करना है। तो अभी हमारे रेफरेंस में आ जाते हैं भाई, ज़रा इसे देखकर हमें काम करना है। ओके, ये डिज़ाइन है, ठीक है। इमेज को लेकर आओ फोटोशॉप में, रेस्टराइज लेयर, डिलीट, कंट्रोल डी, डिलीट, कंट्रोल जी, डिलीट, ठीक है, कंट्रोल डी। अभी ऐसा कलर यहाँ पे मैनुअली क्रिएट करना है, नया लेयर लेंगे, ठीक है। पहले तो इतना पे व्हाइट कलर अप्लाई करो, ठीक है, कंट्रोल डी, हाइड करो और एक क्लियर लो, जूम करो। अब यहाँ से लेयर का काम बहुत होगा, ठीक है। तो ये पिंक वाला लाइन दिख रहा है, ये बॉक्स डोर के ऊपर है, ठीक है। अब ये लाइन करना है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये इमेज क्यों लिया, सो यहाँ से हम कलर पिक कर सके, सो एग्जैक्ट कलर जाएगा, देखो, ठीक है। कंट्रोल जी, कॉपी किया लेयर को, नीचे लेकर आया, हुआ ही नहीं क्या, डिलीट, कंट्रोल जी, फिर भी नहीं हुआ, डिलीट, कंट्रोल जे, अभी हुआ। नीचे डोर के पास भी है, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल टी, ठीक है, ऑन करो एंड कंट्रोल एस, सेव किया, ठीक है। और अभी माया में आओ, ठीक है, यहाँ पर रीलोड करो, देखो चीजें जा रही है ना जगह पे, ठीक है। आपको सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है, ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएगी, इसमें कुछ भी मेहनत का काम नहीं है या कुछ भी ऐसा मैंने ट्रिकी चीज यूज नहीं किया, सारी चीजें इजी है, आपको सिर्फ फोकस करना है, ठीक है। अभी हम लोग रेफरेंस भी साथ में देखते जाएंगे, ठीक है। डोर के यहाँ पर वाले नीचे ब्लू है, ठीक है, सॉरी व्हाइट है। तो ये गया, हमारे पास एक वीडियो था, जरा उस वीडियो को भी देख लेते हैं क्योंकि वो ओके, इस इमेज में भी क्लियर है, ठीक है। तो डोर का स्लाइटली नीचे का हिस्सा व्हाइट में है, ठीक है, हमारा डोर पर्पल में गया, तो इसमें आते हैं, व्हाइट ऑफ करो, कंट्रोल की, डोर यहाँ पे मैं इसको इतना रखा हूँ, इंटर, कंट्रोल एस, वापस इस पे जाते हैं, रीलोड, ये देखो थोड़ा सा और नीचे आएगा बिकॉज वो बहुत ऊपर गया, ठीक है। और टेक्सचरिंग का टाइम 1 पे रखो, यहाँ गया थोड़ा सा और इतना नीचे आएगा, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा। वापस हमारे इमेज में आओ, यहाँ पे बराबर, ये देखो डोर से थोड़ा ऊपर है और ये भी नीचे, ठीक है। तो फोटोशॉप में आएंगे, कंट्रोल की, इमेज ऑफ करो, कंट्रोल टी, स्लाइटली ऊपर जाएगा एंड स्लाइटली नीचे भी आएगा, इंटर, कंट्रोल एस, अभी सही गया है, ठीक है। अब दूसरा डिजाइन क्या है वो आ जाओ,
अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो ये देखो डोर के पास ऐसा ऐसा एक पैनल बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें क्रिएट कर लेते हैं जरा, फोटोशॉप में आते हैं, अभी इन तीनों को ऑफ करते हैं, ठीक है, और एक नया लेयर लेते हैं। इसपे डोर के शेप का ऐसा थोड़ा एक कलर लो और इसपे ये कलर फिल करना है, ठीक है। कंट्रोल डी, कंट्रोल टी एंड उसको ये जो लाइन है ना इस लाइन तक रखना है, और इसको यहां से स्क्रीन करो, स्क्रीन में आपको पीछे का लाइन भी दिखेगा, ठीक है। और ऑन करो, इसको भी स्क्रीन में रखो, बाद में सबका स्क्रीन हटा देंगे बट फिलहाल के लिए रखेंगे। क्यों? ताकि हमें वो वायर फ्रेम दिखे, वाइट में ऐसे स्क्रीन पता नहीं चलने वाला, नॉर्मली रखो। और इसका भी स्क्रीन का ये, ठीक है। तो अभी मॉडल में आ जाओ, ये लाइन है, हमें इस लाइन तक ही ये पैच मारना है। ये देखो इस लाइन में ये पैच जा रहा है, ठीक है। फोटोशॉप में आ जाओ, तो ये लाइन तक ये पैच जाएगा। इसमें आते हैं कंट्रोल टी, यहाँ तक ये, और ये यहाँ तक ये। अब राइट क्लिक स्क्यू एक ऑप्शन है, ठीक है, पहले भी इसको डोर तक लेकर आओ। इमेज में देखो, ओके ये साइड क्या है ना, ये कहाँ गया भाई दूसरा इमेज, ये देखो डोर के पास ऐसा टिल्टेड है, ठीक है। तो ये चीज करना है हमें, राइट क्लिक स्क्यू, स्क्यू से आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऐसा करने का, ठीक है। और जब ये करोगे देन कंट्रोल डी, ये तो फोटोशॉप का स्किल हुआ, तो जैसे आता है वेलेंट ग्रुप, नहीं आता देन ऑलवेज ग्रुप, राइट, ठीक है। तो विंडोज से थोड़ा सा बाजू में, मतलब ये इसका स्क्यू थोड़ा और कम होगा ये, और ये थोड़ा आएगा इसमें ये, ठीक है। इंटर इसमें आया, डिलीट, कंट्रोल डी, कंट्रोल जे, फ्लिप हॉरिजॉन्ट और कंट्रोल सेट, ये दिख रहा है डोर और विंडो के बीच में, ठीक है। अभी अरे यार, ठीक है, ये हो गया मर्ज लेयर नॉर्मल, अरे यार नॉर्मल, तो इसको एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, और इसको स्क्रीन पे ही डाल कर रखूंगा, ठीक है। तो मेरे को आइडिया लग गया, ऊपर डोर का पोर्शन ये और ये विंडो के बीच का, ठीक है। सब ऑन किया, ठीक है, कंट्रोल एस, फोटोशॉप में फाइल सेव एज, ये देखो प्रॉपर गया डोर पे, ठीक है। तो ये चीज और कहाँ कहाँ पे है वो देखो, मतलब एक डब्बे पे कैसा है पहले तो प्रॉपर आप वो देख लो। तो ऐसा इमेज तो हमें किसी ऐसे दूर वाले डब्बे में मिलेगा, ठीक है। तो एक डोर दूसरा डोर पे है और तीसरा डोर पे, दूसरा और चौथा डोर पे है, ठीक है। तो ये अगर दूसरा दूसरा डोर ये था और ये चौथा डोर, ठीक है, ओके। तो अभी हम फोटोशॉप में आते हैं, कंट्रोल जे से कॉपी किया और शिफ्ट के साथ ये चौथे डोर पर लेकर जाएगा,
यहाँ से स्क्रीन क्या करो। ओए यार स्क्रीन दे मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ, वो ज्यादा नाटक कर रहा है ऐसा। ये भी इसका भी ओपेसिटी इसका भी थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि मेरे को मूव करने में बहुत ट्रबल होता है उसके बाद में। ये चौथा, ये दूसरे के पास आएगा, ये रहा दूसरा, दो दूसरा दो और ये चौथा दो, ठीक है। कंट्रोलेंस ठीक है। देखो अभी वापस से हम रेफरेंस में जाते हैं देखने के लिए। देखो यार सेकंड ये सब लिखा है ना, सेकंड फर्स्ट ये सारी चीजें सामान का डब्बा और पता नहीं बला बला क्या क्या चीजें हैं, तो ये सब भी हमें लिखना है ठीक है। इसमें थोड़ा पिक्चर ब्लर है बट ये पर्पल डिजाइन का व्यू क्लियर है ठीक है। तो इंजन का डब्बा ये, बीच का डब्बा ये, बीच का डब्बा में अलग होगा, इंजन का डब्बा में अलग होगा ठीक है। ये जो डब्ल्यू आर ए लिखा है ना वेस्टर्न रेलवे का, वो हमें क्लीन करते हैं। इस पे आते हैं जरा, भरोसा पता है भाई। नीचे कर दिया इसमें, ओके कंट्रोल टी वाइट ऑफ कर दो, ऐसे भी बंद करो, कंट्रोल टी जूम किया स्लाइटली नीचे लेकर आया थोड़ा सा। एंटर कंट्रोल एस, तो चले यहां से मैं एक बार चेक कर लूं कहां पे गया हूं। ओके कंट्रोल जेड कंट्रोल टी, ऊपर थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। ओके अभी बीच में डब्ल्यू ई आर लिखा हुआ है यार, एक तो इसके बीच में भी है मतलब डोर के बीच में, जो डोर क्लोज है, यहाँ एक डोर था जो एक क्लोज है, ऊपर यूजुअली फोर डोर होते हैं ना, तो डब्ल्यू ई आर कहाँ है, या डोर के बाजू में और व्हाइट कलर से है सो उस पर मैच कर जाए, तो एक टेक्स्ट होता है एकदम नए ऊपर W एंड R सारे कैप्स लॉक में है, कैप्स लॉक में W R E परफेक्ट लेटर आया है यहाँ पे लेकर आएंगे। डोर के बाजू में मतलब विंडो के नीचे ही हुआ ना, इससे देखने में वही है। लॉन्ग शॉट किसमें, ये रहा सी आर भी है। ओके सेंट्रल रेलवे फॉर सी आर एंड वेस्टर्न रेलवे फॉर डब्ल्यू आर, तो एच आर भी हो सकता है भाई ठीक है, और पता नहीं क्या क्या है जो भी है, या क्या नहीं एस आर हो सकता है साउथर्न रेलवे से समथिंग, जो भी है अपन डब्ल्यू आर पे फोकस करते हैं। डब्ल्यू आर लिखने के बीच में यहाँ एक कट भी है ठीक है, वो सब भी हमें ध्यान में रखना है। तो डब्ल्यू आर तो थोड़ा इस साइज का होगा और इसके बाजू वाला मतलब ऐसे में लिखा है, तो यहाँ पे है डब्ल्यू आर, जूम करें ये एंड एंटर। अब जब व्हाइट कलर ऑन करेंगे देखो डब्ल्यू आर कहाँ गया ठीक है, एकदम स्लाइटली पिंक लाइन दिख रहा है ऐसा ठीक है। और इसके बीच में एक कट है, इमेज में भी हमें दिखने को मिला है वो चीजें, तो जो ये है वाइट ऑफ वाइट है ये ऑफ करो, इसका कंट्रोल जी करता हूँ
ठीक है। और इस पे मैं एक डिफरेंट कलर दे रहा हूँ, रेड, जस्ट फॉर चेक। कंट्रोल डी, अगेन कंट्रोल जे, ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। डोर ओपन किया, सेलेक्ट किया, नए लेयर में आके व्हाइट कलर फिल किया, कंट्रोल डी, देन इसमें आया, वापस इसमें आ जाओ, ये देखो डब्ल्यू आर के पास व्हाइट लाइन है, ठीक है। तो इस चीज में कंट्रोल डी, ये लाइन किसमें है, ओके डिलीट, रेड को हाइड कर, कंट्रोल डी, ठीक है। और क्या है, ओके रेड इसमें ना, इसका मैं रेड लाइन मैंने ऐसे ही नाम दिया जस्ट फॉर होम कन्वीनियंस, ठीक है। कंट्रोल एस, ये दिख रहा है बीच में गैप आ गया, ठीक है। वन टू, जो ये है ना अपना, ये थोड़ा सा, और पहले भी इसको स्क्रीन में डालो, स्क्रीन वाइट ऑफ करो, कंट्रोल की, कंट्रोल टी, मैंने उसको कम किया, ठीक है। और फिर जो व्हाइट लाइन है तो उसके नजदीक लेकर आया ये, और डब्ल्यू आर किस पे है, ये रहा, ठीक है, मिनिमाइज किया। इसमें ना ये लाइन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये लाइन, ठीक है। तो जो ये लाइन है ना, ये इतना ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही बारीक होता है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ टेक्सचर वो सही जा रहा है, तो इसके लिए हम उसको इतने पे छोड़ेंगे। वापस से डब्ल्यू आर पे आया, ठीक है। और ये लाइन और डब्ल्यू आर पीछे भी जाएगा, डब्ल्यू आर ये है, लाइन किस पे है, व्हाइट लाइन ये है, नाम ही दे दिया, कंट्रोल लाइन थोड़ा आगे होगा पीछे, कंट्रोल जे, ये ठीक है। कंट्रोल एस, यार मैं दो फाइल बना कर रखता हूँ, गलती से क्रैश हो गया तो मेरे तो लग जाएंगे।
सही जा रहा है। अब ये हुआ टॉप, इसका रूफ, ठीक है। रूफ पे ना एक सिल्वर लाइन होता है, ठीक है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। और ये तो ब्लैक ही होगा ये पोर्शन। ये टेक्स्ट को मैं डिलीट कर, ठीक है। अब इसमें ना वो फर्स्ट क्लास और ये सब चीज़ें बनानी होती है, ठीक है। तो वो ये इंजन वाला डब्बा है, तो इंजन वाले डब्बे के पास फर्स्ट क्लास का गया। यहाँ पे मैंने एक वीडियो रखा था ये, क्योंकि ये देखने के लिए रखा था। इसमें वो बहुत डिटेल में ट्रेन किया है। ये तो इंजन वाला डब्बा है जो इसमें है नहीं। देखो इसका पूरा ही डोर भी सेम कलर का है, ठीक है। बीच बीच में डब्ल्यू आर भी लिखा हुआ है। तो डब्ल्यू आर इधर भी लिखा है, ठीक है। तो हम लोग अपने इमेज में आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये आप को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फ्रंट पे आते हैं अभी। फ्रंट का मतलब मैं माया में फ्रंट में आ गया। फ्रंट मतलब ये, ठीक है। इसका काम हो गया, इस इमेज का सेलेक्ट करो, इस इमेज में ना डिलीट करो, कुछ भी एक्स्ट्रा फाइल नहीं रखना है। सो चीज़ों में कहीं पे भी कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए। न्यू लेयर, तो ब्लैक वाइट इतना तक है। कंट्रोल एस और इधर जाकर देख लो कि वो वाइट कहाँ तक गया है। 5 सेव एस। ओह सॉरी, ये फाइल था ना, बिकॉज नेमिंग चेंज होगा तो अपना मटेरियल भी चेंज हो जाएगा। देखो वाइट लाइन अपना सही गया है, थोड़ा सा एक लाइन ऊपर जाएगा। ओपेसिटी कम करते हैं तो मेरे को क्या लाइन भी दिखेगा। और ऐसे सिचुएशन में आपको ये करना होता है, कंट्रोल डी एंड अगेन कंट्रोल डी, कंट्रोल कैपेसिटी फुल किया, कंट्रोल एस रिलोड, आ गया उसी लाइन पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमें डेफिनेटली मैच कराना है, मैनेज करना है, ठीक है, कैसे उसे वर्क करना है। कम टू डब्बा, डब्बे के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट रेफरेंस के लिए इमेजेस थे ये। तो ये लाइन देखो यहाँ से आगे प्रोसीड किया है, ये वाला पर्पल लाइन, और यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसको थोड़ा सा कम कर लो। रेफरेंस में पर्पल लाइन इस बॉक्स के ऊपर गया है, तो यहाँ पे ये बॉक्स इसमें था, तो यहाँ पे से पर्पल लाइन जाएगा, ठीक है। और मिनिमाइज करो, चीजें ऑफ करो। इसमें पर्पल लाइन नीचे वाला कहाँ पे आया था वो एक बार देखना है। ये देखो ये 3 लाइन के बीच में है, ठीक है। तो कंट्रोल जे से कॉपी, नीचे लेकर आएंगे और इस लेवल पे,
कंट्रोल इस करके देखते हैं। चला गया जाके फिर ठीक है, तो मैंने इधर वाइट ऑफ कर दिया है। ये इस लाइन तक ही रहेगा, आगे नहीं आएगा, तो इसमें भी थोड़ा सा आ जाओ, रिवर्क कर लो। वो लाइन जो यहाँ से आया है वो यहाँ तक ही है आईएस, ठीक है, तो इसमें आ जाओ। एक बार मॉडल में, अपने मॉडल में देख लो, ये देखो ये जो लाइन ऐसा गया ये यहाँ तक की है, ठीक है, तो इसमें आएंगे फोटोशॉप में, यहाँ तक की है, इसमें आओ, इतना ये नीट एंड क्लीन कट, डिलीट, कंट्रोल डी, कंट्रोल एस, ये देखो लाइन वहीं तक रह गया, ठीक है, और ये लाइन यहाँ से टिल्ट हो रहा है ना, तो इसको सीधा करना है। यहाँ पे आते हैं, इस वाइट को ऑफ करते हैं और इसके तो इसको इसके अकॉर्डिंग डालना होगा। यहाँ पे जो ये चीजें दिखाई दे रही है ना, ठीक है, तो जो ये लाइन है कट टू कट, इसी लाइन पे ये कलर देना है, ठीक है, तो इसका सिलेक्शन कुछ ऐसे बनाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई एंड दिल्ली, ओ कंट्रोल जेड, वो किसमें है, इसमें है, कंट्रोल शिफ्ट आई, ये कंट्रोल डी, ठीक है, कंट्रोल एस, रीलोड, ये देखो अभी लाइन प्रॉपर स्ट्रेट गया एकदम, ठीक है, थोड़ा सा वाइड है इधर। अभी येलो एक मिटा देते हैं, येलो वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे हाईलाइट है स्ट्रेन का। कंट्रोल एस, फाइल सेव भी कर लो भाई। तो जिसने मैंने बहुत पहले जो प्रिंगल वाला लेक्चर दिया था उस पे जितने जिन्होंने भी काम किया है ना, टेक्सचरिंग का पार्ट आगे वही लोग उस पे रिवर्क कर सकते हैं, ये फैक्ट बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन आया और यहाँ से ऐसे टिल्ट किया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो एक बॉक्स ऐसे ले लीजिए फुल ऐसा येलो कलर, कैसे डैट उसमें से ये रेफरेंस चूज करते हैं, इसमें लाया,
इंटर रेस्टराइज लेयर, ये हमने रेफरेंस के लिए लिया है, ठीक है। मतलब इसमें से अगर कुछ चीज़ें हमें यूज़ करना हुआ तो एक्स्ट्रा डिलीट कंट्रोल डी, तो ये येलो, ठीक है। अभी मैंने एक बॉक्स किया था, तो इसमें एक कोई बात नहीं, नया लेयर ले लेते हैं। कंट्रोल डी, ओपेसिटी थोड़ी करते हैं इसकी कम, ठीक है। और इसमें आते हैं, अभी इसमें थोड़ा वायर फ्रेम को रीड कर, हमें येलो चाहिए इस लाइन से, ठीक है। इसमें आ जाओ, ये लाइन है यहाँ पे, कंट्रोल टी, ये ठीक है, इंटर, कंट्रोल टी, थोड़ा और अंदर ही कर लो। क्यों, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे सीन क्या है कि ओके, इसमें आएंगे, और ये जो वायर फ्रेम है ना, ये येलो वायर कहाँ पे है, इस लाइट के नीचे तक आया है, मतलब इस लाइन के यहाँ तक, ये जहाँ पे ये एक्चुअल में आया है। और इसमें आकर देख लेते हैं लाइन इसके बीच में, ओके, अच्छा खासा गैप भी है, और ये इसके बीच में है, मतलब ये कंट्रोल टी, और ये यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इंटर पॉलीगन लेसर टूल लेते हैं, इस पे चलाते हैं, इस पे, क्योंकि येलो वाला इस पे आएगा, ठीक है। इस पे बाहर का डिलीट, ये लाइन नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है। लाइन के बाहर एक्स्ट्रा कलर जाएगा चलेगा, बट लाइन के अंदर ब्लैक नहीं होना चाहिए। और लाइन से बाहर सेम कलर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हम कट टू कट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा रियलिस्टिक लेवल पे मॉडल हुआ है तो उसका कलर पे भी थोड़ा सा हमें मेहनत करना है ताकि चीज़ें परफेक्ट दिखे। कंट्रोल डी, अभी इसको जरा 100 करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसा जा रहा है। कंट्रोल एस, रीलोड गया, बट यहाँ पे थोड़ा टिल्ट हो गया है, ठीक है। अभी इस टिल्ट का ऑप्शन क्या है, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। ये ऊपर वो चीजें ऑन है इसके लिए वो दिखाई दे रही है, बाद में हम लोग उसको ठीक कर देंगे, बट अभी हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, ठीक है। तो स्लाइटली बाहर गया है, ठीक है।
यहाँ पर गोल सा होगा और यहाँ एक बेंड होगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैं पीक दिखाता हूँ। व्हाइट को ऑफ करें और इसका ये कम करें, ज़ूम करो, यहाँ से इरेजर लो, इसमें इरेजर चलाना है, ठीक है, बहुत ही स्मूथली इस पे आप। ठीक है, मतलब इन पार्ट्स को ऐसे करके स्मूथ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या वो एरो गया, ठीक देखा करो, कंट्रोल एस रीलोड, ये देखो यहाँ वो तो जो शार्प एजेस बन रहा था गोल सा हो गया ना, ठीक है। अभी ये करना है, यहाँ पे जो गोल है ये, ठीक है, इसके लिए क्या करना है, यहाँ से एक सर्कल लीजिए और एक नए लेयर में आइए, जस्ट एक सैम्पल के लिए मैं ये मैंने फिल किया है। क्यों किया है, क्योंकि मुझे ये ग्रीन वाला कट करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या इस पे गोल सा शेप आ जाएगा, इसमें आएंगे और इससे सेट करेंगे, शिफ्ट आई, इरेजर लिया, देखो गोल हो गया यहाँ पे, डिलीट, कंट्रोल एस, ये देखो परफेक्ट गोल हुआ ना, हमें चाहिए भी ही था। अब जो ये इसको स्ट्रेट करना है, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से कुछ तो एरर हुआ है जिसकी वजह से ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, वरना ये चीज़ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी ये चीज़ ट्राई करना है, ठीक है, जो आगे टेक्सचर फैल रहा है, बट ये वैसे दूसरे साइड वो वैसा दिखना नहीं चाहिए ये, ठीक है। तो जूम करो, मैं इसके आगे थोड़ा सा और ये ऐड कर रहा हूँ, अभी मैं क्या करने वाला हूँ वो देखो, जो ये है ना, पहले भी इसकी ओपेसिटी में कम करूँगा। अभी जो हमारा ये ऑप्शन है कंट्रोल जे, कॉपी किया मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और इसमें कलर फिल करूँगा येलो, ठीक है। तो पहले 74, इसको भी 74 करके कंट्रोल डी, अभी व्हाइट को ऑन कर लो और थोड़ा सा उधर चेक कर लो कि अभी लाइन कैसा आया है, ये देखो
उस येलो लाइन की वजह से वो बहुत ही स्ट्रेट से जा रहे हैं ये चीजें, ठीक है। ये तो ये जो लाइन बन गया, ये लाइन इसमें आएगा, इंटर्नशिप आई और इंटर्नशिप इरेजर भी ये पोर्शन हटाना है। डी ऐड हो गया। थोड़ा सा इस लाइन के पास ऊपर उठा है, तो ये हमें नीचे करना है, मतलब इस लाइन के पास वाइट को ऑफ करो, तो ये इस लाइन के पास ही नीचे आएगा, ये ऊपर उठा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो ये इसको ऑन करो, ऑफ करो, इसका कंट्रोल टी राइट क्लिक डिस्टॉर्ट और नीचे मैंने किया उसको, तो इसको ऑन किया कंट्रोल एस। अभी मेरे को से पूरा देखना है लाइन स्ट्रेट हुआ है कि नहीं। यू कैन सी, ठीक है। अभी इसको बस ठीक करना है, अभी 100 पे, ये भी 100 पे है, मर्ज डाउन ये हो गया। वापस वो सर्कल वाला सीन करेंगे, न्यू लेयर, कंट्रोल डी, ये हो गया, कंट्रोल एस, ये ब्लैक कलर का होता है ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको ब्लैक करना है उधर साइड में अपने डिज़ाइन में, और इसको पहले तो वाइट कर लो। कहाँ है ये अपने इमेज, ये देखो ये ब्लैक में है, तो इमेज को पहले हाइड करो। ये पोर्शन में ये रूफ है ना, तो इसको लाओ, वही कंट्रोल डी, ये बैक स्पेस और कंट्रोल डी, ओ येलो वाले पे चला गया, कंट्रोल जेड सेट सेट न्यू लेयर, येलो और वो दोनों सेम लेयर में हो गया था। तो सेम लेयर का डिमेंड ये होता है कि अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो फिर मैं फंस गया।
यस, नीचे ब्लैक सही है, बाकी ब्लैक सही है। तो ये सब चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये क्या था, ओ इसका तो यूज़ हो गया, डिलीट कर, और इसको हाइड करो, इसको भी ऐड करो। ओके, ये रहा ब्लैक पोर्शन जिस पे हमें देना है विंडो का, ठीक है। तो पेन टूल लेंगे, न्यू लेयर जूम करो और यहाँ पे जाओ, और ऐसे मैनुअल सिलेक्शन करना है इसका, ठीक है। एंड कंट्रोल बैक स्पेस ये ब्लैक, ठीक है, एंड कंट्रोल डी, गो फॉर न्यू। अभी इसमें एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा गलती किया है, बैक स्पेस सर ये वाली लाइन को लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग थ्री कर रहे थे तो साइड का लाइन वहां चला गया ना, बट ये उसके ऊपर आना चाहिए था, ठीक है। बट एक कर लिए तो अभी दूसरा करके भी देखते हैं कितना वो जा रहा है। कंट्रोल डी ये वो, कंट्रोल एस, ये देखो परफेक्ट ब्लैक गया वहां पे, सेम ब्लैक इसमें भी जाएगा, ठीक है। ऑफ करो सबको, वो मैंने एक ही लेयर में डाल दिया, कोई बात नहीं, बिकॉज ब्लैक कलर भी सेम जैसे ये सी ओनली शिफ्ट, ये मैं अभी देख रहा हूँ ये बीच में ये आगे तक जाएगा ब्लैक। अच्छा चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से ही आएगा एक दो, कंट्रोल एस, यहाँ पे ऐसा गोल्स है ये, मतलब ये बहुत स्क्वायर जैसा फील आ रहा है, बट इधर बहुत सारा गोल्स है, ठीक है। तो वो भी चीजें कर लेते हैं, नए लेयर में आते हैं।
एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, रेफरेंस के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये गोल सा ब्लैक कलर देना है वैसे। ब्लैक ये जो गोल है इस पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये सेम शेप का चला जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट करो इसे, ये है, तो इसको अभी हम लोग आगे लेकर जाएंगे। कंट्रोल एस रिसीव चेक करने में कर रहा हूँ, ये लाइन गया, ये यहाँ से स्ट्रेट गया और यहाँ एक कॉर्नर बन गया, तो अभी मेरे को ये स्ट्रेट कर चेक करना है। थोड़ा अंदर चला गया, तो वो थोड़ा ऊपर जाना चाहिए मींस, तो ऐसे आप लोग को भी चेक करना होगा अलग अलग एंगल से कि वो किस पे मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक बार में परफेक्ट आएगा ही नहीं। देखो अभी मैंने वहाँ शेप ऐसा दिया, अपने यहाँ कुछ और आ रहा है। ठीक है, इसका ये पोर्शन बच जाना चाहिए जो ऊपर ये आया है, इसके लिए क्या करते हैं, ओके तो उसको कंट्रोल टी, ओ गॉड वही मैंने कर लिया है, तो अपनी इसका ओपेसिटी थोड़ा कम करेंगे। डिलीट कंट्रोल डी,
कंट्रोल डी। कंट्रोल एस, कॉर्नर थोड़ा बढ़ गया। दिस विल बी ओके, ठीक है। अभी ये हो गया है, फिर हम इमेज में आते हैं, यहाँ ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। बट ये हम अलग से लगाएंगे ये इमेज, ठीक है। और ये हो गया है, एंड यहाँ 5 4 5 4 2 9, ओके। ये भी टेक्स्ट अलग से डालते हैं, एंड नाउ ओके, ये हो गया, पीछे का कलर भी हो गया है। इसमें आते हैं, उन पर भी लिखा रहता है, वो क्या था, ये वेस्टर्न रेलवे, ओके। जहाँ पे ये पीछे गया है वहाँ पे ये टूटा है, मतलब कि ये पीछे वहाँ पे दूसरे डबल में जाएगा, यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे का टेक्स्ट जाएगा। न्यू लेयर जूम कीजिए, यहाँ पे आ जाइए, इसको कॉपी करें, कंट्रोल जी, और कॉपी हुआ नहीं, कंट्रोल सेड, अच्छा इसका कॉपी हुआ, यहाँ पे आएगा। इसको यहाँ पे पहले पूरा नाम लिख देते हैं, सारे कैप्स लॉक में है, ई ओ एस टी ई आर एन, वेस्टर्न रेलवेज, R A I L W A W S Y S, ओ रेलवे ही है, ओके। अभी इसमें जाएगा कंट्रोल टी, ये टेक्स्ट है जो डोर का जॉइंट है उसके बाजू में, मतलब यहाँ पे, ओके। ये ऊपर भी गया है तो मेरे को उस पर लाइन भी देखना होगा जरा, किया ओके। इन दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए, कंट्रोल टी, एंटर। लाइन के हिसाब से तो फिर टेक लाइन और कट करना पड़ेगा, कंट्रोल एस, देखते हैं क्या।
डब्ल्यू ऊपर गए और नीचे आएगा, ऐसे ही लेटर थोड़ा स्केल कर देता हूँ, कंट्रोल टी स्लाइटली स्केल करना होगा क्योंकि ऊपर टच भी नहीं करना चाहिए। यस ये कुछ अलग ही है क्योंकि इसके नीचे ये और अपना ये पर्पल लाइन के ऊपर है, ये अपना पर्पल लाइन ऊपर टच है ठीक है, और इसमें उसमें भी गैप डाला हुआ है, बीच में गैप है अपन ने टच करते रखा है, इट मींस हम सही जा रहे हैं। तो एक यहाँ पे ये रहेगा, कंट्रोल जे से कॉपी, कंट्रोल जे ये जो है ये हमने वो टच भी नहीं किया, ये सामान का डब्बा वगैरह की जो भी लिखा हुआ ये सारी चीजें ठीक है, तो ये तो एकदम से अलग से बनेगा, तो उसके लिए एकदम नया आ जाओ ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं ट्राइंग टू फाइंड द होल थिंग जो उसके ऊपर लिखा है, एंड आई होप कि मेरे को डेफिनेटली मेरे को मिलने बहुत मुश्किल है, तो स्टिल मैं इसको इसका टेक्सचर भी इसमें ये रेड लाइट तो ये है कंट्रोल एस डी टू इसका इसको यहां पे लाते हैं, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल इसका हम लोग कुछ बाद में देखते हैं क्या करते हैं। सी दिख रहा है ट्रेन का डब्बा, कंट्रोल डी स्लाइड करके पास जो बिकॉज ये इसका कांच है जिससे ये अंदर दिखने वाला है ठीक है, ये सब चीजें हैं जो मुझे बाद में जरूरत पड़ेंगी, बट अपने रेफरेंस में आते हैं जिसमें शायद से मुझे वो चीजें मिल जाए क्लियर कट किसी इमेज में, तो
यस, वी नीड दिस थिंग। ठीक है, तो और भी इस इमेज में है क्या? ये भी है, ठीक है, कहाँ गया अभी जो मैंने ओपन किया था? ये तो इसके लिए विंडो रेंडरिंग एडिटर हाइपरशेल, कलर सही है 3 3। ठीक है, देन इस पे क्या करना है, इसको 3 तो प्रेस करना है नहीं, इस पे हमें कुछ ऐसी चीजें लगानी है, कंट्रोल एक्चुअली मैं उसको तो एक्सेप्ट मिलना डेफिनेटली मुश्किल है, बट स्टिल मैं ठीक कर सकता हूँ। एक इमेज ले रहा हूँ, ग्रे कलर फील किया और टेक्स्ट लिख रहे हैं कैप्स लॉक में CHURGATE। वाह, लिखा है नहीं क्या? लिखा है बट शायद मेरे इसका कलर भी यही है, तो इसको अपन रखेंगे एकदम ग्लोइंग येलो। और इस पे आते हैं रेफरेंस ना भाई, ये चीज़ है इंटर, ठीक है, रिसर्च भी है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये स्मॉल लेटर में रहेगा CHURCHGATE। पहले इसका टेक्स्ट ठीक करो, टेक्स्ट स्टाइल चेंज है, दिस इज वेरी क्लोज है दिस वन, ये ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है आउटर ग्लो का है, कैंसिल कर, बैकग्राउंड का कलर थोड़ा और डार्क करना है, सही, और इतना पे आते हैं ये, बिकॉज उस पर ये कलर बहुत ज़्यादा विजिबल होगा, आउटर ग्लो
ओके गूगल का है जी, गूगल का ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं, सो ओके इट्स ओके चलेगा। अभी हमारे पास ये हो गया, हिंदी में भी है, हिंदी में तो मतलब टाइप भी करने को नहीं आएगा। तो ई में माया लेक्चर टेक्सचर इंडिकेटर सेव, यूनिवर्स करते हैं अपने मॉडल पे आते हैं। इस पे कौन सा ब्लिंक लगाया था हमने, सर वायर का लगाया था अलग से साइनिंग मटेरियल, और ये ब्लिंक गया इंडिकेटर को पेन 6 बी फ्रंट में आते हैं क्यूब एडिटर, और इसको यहाँ पे मैच कर देंगे। यहाँ पर लिख रहा हूँ और इसको स्केल कर दो, बस अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्केल करना है। ठीक है ऐसा लिखे तो इसको फ्लिप करना है। ठीक है आ गया भाई फ्लिप का, बट पहले इसको मैनेज तो कर ले, बाद में देखते हैं चीज़ें। ठीक है ओए सॉरी फेस सेलेक्ट हो गया, अभी जो ये यूवी एडिटर का है, सॉरी यार यूवी एडिटर मैं भी क्या कर रहा हूँ, यूवी कैमरा बेस, यूवी इसका मटेरियल का है ब्लिंक 14। फाइल है यहाँ 6, रोटेट जैसे किया वो जगह पे आ गया। ठीक है अपना इधर गलत दिख रहा है, बट मेन ऑप्शन तो अपना यहाँ है ना। ठीक है इसके सेंटर में लिखा सा, और इससे डिलीट कीजिए और इसको ही कॉपी कीजिए वर्चुअल में फ्रंट से, कंट्रोल डी, थोड़ा ट्रीट भी करना पड़ेगा ये जैसा। दूसरे साइड हिंदी में है होता है, बट नॉर्मली मेरे को आइडिया है नहीं हिंदी में टाइप कैसे करते हैं, और ये कांच जाएगा जिससे अंदर का ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ये ग्लास है उसका, ये लॉक है। और इसका इंजन वाला पोर्शन ये पूरा भी पर्पल ही होगा। ठीक है ये पूरा यहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें इंसर्ट हुई है, उसको अनलॉक करो, ये नहीं है तो दोस्त नहीं, ये एक्स्ट्रा डिलीट।
ठीक है, तो अभी तक ये आज ये डब्बा हो गया, कल पीछे का डब्बा करते हैं, ठीक है। और यहाँ की भी चीज़ें कुछ बाकी है जो पीछे वाला डब्बा कंप्लीट करने के बाद फिर करते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि लाइट का बाकी है, अगर मैं इस पे आ जाए तो ये देखो, और लाइट किस में, सॉकेट टूल्स में, ये सब चीज़ें बाकी है अभी, ठीक है। तो अभी इन सब पे भी काम करना है, ये लाइट का ऑप्शन है, ये तीन पीछे का डब्बा, ठीक है। अभी ये एक हो गया तो बिकॉज इसको अनरैप करके यही टेक्सचर पीछे जाएगा, तो पीछे वाले में मेहनत कम है बाय द वे। ये देखो कट गया, इस पे थोड़ा आगे ले लो, बहुत पीछे गया है। कंट्रोल एस फाइव, मैं इसको टेक्सचर दो, ट्रेन बॉडी कलर एक, यस फाइल सेव एज, यस देन क्लोज, ठीक है। तो अभी ये हुआ है, कल पीछे का भी पोर्शन करेंगे, ठीक है। और इसका हिंदी टेक्स्ट का क्या करना है मैं देखता हूँ जरा। तो अब जब हम लोग इसको थ्री करेंगे आफ्टर टेक्स्चर, ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्मूथ होने में, ये तो हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। ये और पीछे का डब्बा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये डिजाइन अलग है, ठीक है, ये ऐसा था। तो अभी इस पर टेक्सचर लगा के देन फिर इसको पीछे कॉपी करेंगे, तो फिर वो एक डब्बा कंप्लीट होगा, ठीक है। ये चीज़ है, अभी यहाँ से दिख रहा है डब्बा अंदर एम्प्टी दिख रहा है ना, तो हम लोग कल तो पीछे का टेक्सचर करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर मतलब डे आफ्टर टुमारो फिर अंदर इंटीरियर बनाएंगे, ठीक है। तो कल इसका कलर का पार्ट पूरा फाइनल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग इसको इतना पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर, इसमें हम लोगों ने देखा कि इसका टेक्सचर कैसे लगाते हैं, इसको अनरैप कैसे करते हैं, ठीक है। अनरैपिंग का बेसिक मैंने पहले ही बताया था, स्टिल मैंने चीज़ें रिपीट कर दी है, ठीक है। तो अभी ये आप लोग का टर्न है वर्क करने का।